रुकिए रुकिए एक बारी पर मैं फात का आदमी राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ का जिला अध्यक्ष हमारी ना संदेश का संपादक आज किस तरह की बैठक की गई थी है? हम लोगों की मासिक बैठक समीक्षा बैठक होती है राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ की। पत्रकारों की व्यथा को और उनकी समस्याओं को उनके निवारण के लिए ये मीटिंग की जाती है और जो जनपद में तरह तरह के पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जैसे अभी आपको इससे पहले आपको मालूम होगा विगत दिनों रामपुर थाने में एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, यहाँ मऊ में स्टेट बैंक में एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया। इस तरीके की लगातार कुछ न कुछ घटनाएं पत्रकारों के साथ अक्सर घटित हो रही हैं और ये इसलिए हो रहा है कि हमारे जिले के पत्रकार संगठित नहीं हैं। जो असंगठित पत्रकार हैं, बिखरे हुए हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और पत्रकारों की ताकत जिला प्रशासन को दिखाने के लिए कि जो चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ की क्या भूमिका है, ये चौथा स्तंभ एक इमारत को मजबूत खड़ा करने के लिए कितनी अहम भूमिका रखता है, इस भूमिका को बताने के लिए इस पिलर को और मजबूत किया जा रहा है। जिले के तमाम पत्रकारों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो पत्रकार हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और खुद को जुड़ के संगठन को भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस संगठन में उनका स्वागत है। सभी लोग आए और साथ ही साथ वो पत्रकार जो इस संगठन से नहीं जुड़े हैं, अगर वो पत्रकार भी इस संगठन में इस संगठन के तहत कोई मदद चाहते हैं, उनका भी कहीं से उत्पीड़न हो रहा, दुहन हो रहा है या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर से परेशान किया जा रहा है या किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है, उस समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या में कदम से कदम मिला के चलने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ राष्ट्रीय स्तर पर, ना कि केवल जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। और हम चाहेंगे कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी इसमें जुड़े और खास करके हम जो इस तरीके की आम गतिविधियां चल रही है पत्रकारों का उत्पीड़न प्रशासनिक स्तर से पुलिस लेवल से किया जा रहा है, ऐसे पुलिस कर्मियों को हम खास चुनौती देते हैं, उनको एक बार फिर हम आगाह कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें अपने आप पे आने के लिए। अगर हम अपने आप पे उतर आए तो ऐसे पुलिस वालों को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह अगर पोस्टिंग हो जाएगी पत्रकारों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए अपने रवैये को सुधार लें, पत्रकारों के लिए एक बार पुनः चुनौती उनकी चेतावनी हम दे रहे हैं कि पत्रकारों के लिए अपनी निगाहों को सीधी कर लें, नहीं तो फिर उनका भी वही हश्र होगा कि उनको भागने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा और तमाम जाकर कि आपको खुद ब खुद अपना टर्मिनेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा। चाहे तो बिल्कुल शरीफ हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, रिश्वत छोड़ देंगे, नहीं तो फिर वो नौकरी को छोड़ देंगे, ये हमारा दावा है। इसलिए जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं अपनी गतिविधियों को सुधारें, नहीं तो उनको सुधारने का काम राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ करेगा पत्रकार हित के लिए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।